आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं मासिक धर्म की रुकावट को दूर करने और अनियमित मासिक धर्म को ठीक करने का उपाय। तो दोस्तों, मासिक धर्म अगर रुका हुआ है, अगर आप इस नुस्खों का इस्तेमाल कर लेंगे तो पुनः चालू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, हमने इस वीडियो में तीन नुस्खे बताए हैं। तीनों में से आपको कोई भी एक नुस्खा कर लेना है, जिसके इस्तेमाल से मासिक धर्म की कैसी भी समस्या हो, मासिक धर्म का अनियमित आना या फिर मासिक धर्म का रुक जाना या फिर मासिक धर्म का जल्दी आना, ऐसी कोई भी अगर समस्या है तो इससे ठीक हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो से नीचे वाला रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, ये है प्याज। प्याज दोस्तों, अगर वाइट प्याज मिल जाए, सफ़ेद प्याज मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसका रस आपको सुबह खाली पेट पीना होता है, जिससे मासिक धर्म तुरंत चालू हो जाता है। और दूसरा जो नुस्खा है दोस्तों, ये है गुड़। गुड़ का इस्तेमाल आपको किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, एक हमने प्याज का बता दिया है आपको। प्याज का रस सुबह खाली पेट पीना होता है, लगभग 2 चम्मच। और ये गुड़ दोस्तों और सौंफ, ये दो आइटम है। सबसे पहले आपको सौंफ को यफकुट कर लेना है, यानी कि इसे बहीन महीन कूट लेना है। और गुड़ और सौंफ समान मात्रा में लेकर, 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर एक गिलास में डाल लें। उसके बाद इसे इतना पकाएं कि पानी 1/4 रह जाए। उसके बाद इसे शाम सोते समय पिए। मासिक धर्म की कैसी भी रुकावट हो या फिर अनियमित समय पर आता हो, इससे पुनः चालू हो जाता है। और कैसी भी समस्या हो, खुलकर आने लगता है। और इससे रिलेटेड और कोई समस्या, जैसे कि कमर में दर्द होना या फिर समय समय पर ना आना या फिर आगे पीछे आना, तो ऐसी कोई भी समस्या हो, इससे ठीक हो जाती है। यदि आप कितनी भी पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करें और इस समस्या से छुटकारा पाएं। और जो हमारा तीसरा नुस्खा है, बहुत ही ईजी और सरल है। आपको करना यह है, बस सुबह के टाइम पर 1 चम्मच लगभग आप मेथी दाना ले लें। 1 चम्मच मेथी दाना को 1 गिलास पानी में इतना पकाएं कि आधा गिलास बचे। उसके बाद इसमें आप हल्का सा नमक डालकर घोल कर और इस पानी को छान कर पी लें। कितना भी पुराना मासिक धर्म की रुकावट हो या फिर अनियमित समय पर आता हो, इससे सिर्फ एक ही बार के पीने से शुरू हो जाता है। लगभग आप अगर ज़्यादा पुराना है तो 3 बार अवश्य पिएं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग this video।